ओ भाई साहब पूरा खत्म है भाई आईफोन ये। भाई ये कर क्या रहे हैं भाई ये बंदे। हेलो गाइस नमस्ते गुड मॉर्निंग, पहले तो सभी को जय श्री राम। एंड काफी दिनों बाद ब्लॉग शूट हो रहा है, बहुत दिनों बाद, दो तीन हफ्तों के बाद ब्लॉग शूट हो रहा है। पहले तो मनु भाई की बहन की शादी थी, वो था, फिर वो निपटाया, उस वो भी काफी मस्त ब्लॉग था, उनकी शादी का बहुत मस्त ब्लॉग था गाइस। बट सीन क्या हो गया, जिसमें वो ब्लॉग शूट किया था यानी कि मेरे आईफोन में, वही टूट गया। चेक दिस आउट, ये आईफोन कंडीशन है। ओ भाई साहब पूरा खत्म है भाई आईफोन ये। एंड ये कैसे हुआ गाइस मैं बता भी नहीं सकता कि कैसे हुआ, बट पूरा आईफोन खत्म है भाई। ये चेक कर रहे हो, ये देख रहे हो, इससे डाटा कैसे लूँ गाइस। अगर किसी को पता होगा ना कि आईफोन से डाटा दूसरे आईफोन में या किसी और चीज़ में, कंप्यूटर लैपटॉप में कैसे आता, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मेरे को, मैं बहुत परेशान हूँ इसको लेके। बट आज एक बात हो रहा है कि काफ़ी मस्त धूप चढ़ी है, ये जो दिन है ना काफ़ी ख़राब चल रहे हैं मेरे, तो मैं सोच रहा हूँ कि माता के दर्शन करके आऊँ। देखो वैष्णो देवी तो मैं जाया था, बट अभी चलते हैं गाइस नैना देवी, वहाँ पे जाना मैं भूल गया था, पर वहाँ पे चलते हैं यार, माता जी के दर्शन करते हैं, क्या पता उसके बाद सब कुछ सही सही हो जाए यार। सो ऑलराइट गाइस, तुम्हारा भाई हो चुका रेडी, एंड चेक दिस आउट, हेलमेट में क्या सेक्सी लग रहा हूँ ना मैं। बट उससे पहले ये रही अपनी बाइक, इस बाइक से मेरा क्रैश हो गया था, ये देखो भाई, ये भी नुकसान हुआ है पर ये इतना नहीं है जितना उस आईफोन का हो गया, राइट। और ये चेक करो भाई, ये रही अपनी KTM RC 390, जो कि काफ़ी गंदी है, अभी इसकी कंडीशन चेक कर सकते हो भाई, चेक दिस आउट, क्या कितनी गंदी हो रखी है ना। बट कोई नहीं, उससे पहले इसको करते हैं कॉल स्टार्ट, बाइक करते हैं थोड़ा सा साफ, एंड निकलते हैं फिर माता के दर्शन करने। लो भाई GoPro हैंग हो गया था बट अभी फिर स्टार्ट हो गया, तो बाइक को करते हैं कॉल स्टार्ट। जय श्री राम। ओके बाइक लग गया कॉल स्टार्ट पे, एंड ये देखो भाई ये क्या है, ये क्या मरा हुआ है भाई हल्के हल्के, ये पता नहीं क्या है, इसमें मच्छर है शायद, इसे साफ करते हैं और उसके बाद निकलते हैं गाइस माता के दर्शन करने। ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं आती क्योंकि ऑलरेडी धूप आ रखी है, तो मस्त मौसम है, निकलते हैं भाई। और तो गाइस मेरे को बाइक की सर्विस भी कराने जाना पड़ेगा, एंड वो जाना पड़ेगा मुझे सोलन, तो उसके लिए भी निकालेंगे टाइम, बट अभी थोड़ा सा बहुत बिजी था मैं। एंड मेन दुख की बात यह है यार कि मेरा आईफोन टूट गया, वो मैंने काफ़ी मुश्किल से लिया था, एंड एक मिडिल क्लास बॉय गाइस अपनी मेहनत से ना अगर आईफोन लेना तो पता है जब वो आईफोन टूटता है ना भाई। हम निकल चुके हैं माता के दर्शन करने के लिए घर से, एंड अभी टाइम 10:40 हो रहे हैं, एंड उसके बाद अभी मैं जाऊंगा, इसमें भी फ्यूल अप कराना है भाई, अभी इसमें फ्यूल अप कराना है, एंड उसके बाद मैं जाऊंगा मनु भाई के घर, मैं मनु भाई जा रहे हैं दर्शन करने। मैंने कॉल की थी बट वो कह रहा कि आ जा भाई चलते हैं, अगर वो चलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले जाऊँगा, अगर वो नहीं माना तो। यहाँ पे फिल अप करा लेते हैं। लो भाई फिल अप हो गया, सो गाइस हमने करा लिया फिल अप, एंड अब ये देखो मेरे घर से होगा गाइस नैना देवी 60-70 किलोमीटर होगा, इतना तो होगा मैक्सिमम, एंड बस इतना ही है, पहुंच जाएंगे एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यार हिल एरिया और आराम से जाना पड़ेगा, बाइक में भगाता नहीं भाई बहुत कम, स्टार्टिंग में मतलब कि हाँ बाइक खींचे, मतलब अभी भी होता है वैसे तो, अभी भी मैं खींचता हूँ बाइक को, बट अभी इतना नहीं जितना पहले खींचता था। सो हेलो जी, सो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 12, मनु भाई ने 12 बजा दी यहाँ पे भाई, 10 बजे निकल घर आया था, पूरे एक घंटा लेट है, बाइक भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है फिर से दोबारा, एंड बाइक और ये भी कॉल स्टार्ट, तो निकलते हैं गाइस फटाफट। हम निकल चुके हैं यहाँ से, मनु भाई को मैंने पिक कर लिया बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया, बट कोई नहीं गाइस एक डेढ़ घंटे में पहुँच ही जाएंगे, मतलब 1:30 पे हम होंगे वहाँ पे, एंड बिल्कुल आराम से जाएंगे बिल्कुल प्यार से। बट ठंड भी है भाई, देखो वैसे धूप है लेकिन बाइक पर ठंड लगती है, बस ना रोड सही मिले फिर भाई फिर कोई दिक्कत नहीं आती, एक रोड सही होनी चाहिए। ओ भाई धूल देख रहे हो, शेट पूरी बाइक फिर से धूल हो जाएगी। सो भाई लोगों हम पहुंच गए हैं ब्रूना, एंड पहली बात तो ये तुम्हारा भाई यूट्यूब पे रेगुलर नहीं था काफ़ी दिन से, अब हूँ भाई सपोर्ट करनी है क्योंकि चैनल बहुत नीचे जा चुका है। दूसरी बात कि तुम्हारा भाई लॉन्ग ट्रिप की प्लान कर रहा है, कहाँ पे जाने को, मनाली भी बर्फ़ गिर चुकी है, एंड
रोडू भी शिमला भी, शिमला जा जाके तो मैं गाइस बोर हो गया हूँ भाई। अब मनाली नहीं गया हूँ लाइफ में कभी भी, रोडू भी एक बार गया हूँ। तो रोडू अगर रोडू से कमेंट आता तो रोडू जाएंगे, नहीं तो फिर हम जाएंगे गाइस मनाली। वैसे तो गाइस अब पूरा रोड ठीक हो चुका है ये, बट यहाँ जो कंपनी है ना भाई, यहाँ से मतलब दो तीन दो एक नहीं शायद हाँ एक किलोमीटर में ना ये कंपनी होगी। और ये पैच थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे ट्रक्स वगैरह चलते रहते हैं 24 घंटे कंपनी के बाहर, तो इसलिए यहाँ पे रोड थोड़ी सी ऐसी है। बस ये एक किलोमीटर का पैच है थोड़ा सा जो ख़राब है, उसके बाद तो आगे हाईवे आ जाता है। सो भाई हम आ गए मस्त हाईवे पे, ये ज़्यादा मनाली को एंड ये ज़्यादा कीर्तपुर साइड, ये ज़्यादा मनाली को राइट। वट 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 हमें निकलना भाई नैना देवी, तो हमें जाना पड़ेगा पहले मनाली वाले रूट पे। पकड़ ले भाई, अब बाइक उड़ेगी भाई इस हाईवे पे। तो जय श्री राम। क्या मजा आ रहा है भाई, बस ये रोड में जो गऊ माता होती है ना और बैल होते हैं, जो ये गऊ माता होती है ना रोड पर बैल होते हैं भाई, इनसे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि एकदम से रोड के बीच आ जाती है, फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं भाई। ये कर क्या रहे हैं भाई, ये बंदे क्या कर रहे हैं भाई, भैंस की आँख, खुद तो मरेंगे हमें भी मारेंगे भाई। ओके लेसी बॉयज टूल प्लाजा, बट हमारा कोई टूल नहीं है क्योंकि हमारे पास है बाइक। भाई भाई इंडिया में ना पता नहीं कहाँ काफ़ी जगह ना बाइक का टूल भी लगता है, पर ये पता नहीं कहाँ लगता है, शायद हिमाचल में तो नहीं है बट कहीं हो रहा है। पर यहाँ हाईवे भाई साहब, यहाँ से जब फील आता ना भाई बाइक उड़ाने का, ओ भाई क्या निकाली है बाइक, मनु बाइक ने फटी गई थी भाई साहब, क्रेजी बॉयज क्या निकाली है बाइक, मनु बाइक ने फटी गई थी वहां पे। मैं यहाँ से लेफ्ट होना है अना देवी, 22 किलोमीटर है भाई यहाँ से, ज्यादा नहीं अगले 15 मिनट लगेंगे क्योंकि हिल एरिया है भाई साहब। रोड तो यार ये भी सही है, मस्त रोड है भाई। भाई साहब यार इस साइड ठंड हो गई है, मैं तो बस ऐसे ही पाके आ गया, ये पूरी साइड है ठंड भाई। अब मैं क्या करता हूँ कि मनु भाई को देता हूँ बाइक चलाने के लिए, वो चलाएगा वो, लेकिन ठंड बहुत होगी इस साइड। सब वो सभी चला रहा है मनु भाई, आराम से चलिए आराम से भाई। और ना इनकी बहन की शादी इस एरिया में हुई है भाई, पहाड़ी एरिया में, हिल एरिया। हाँ भाई वो नहीं साइड है, इस साइड है वो नहीं, कहीं तो है उस साइड इनकी बहन की शादी हुई है। और यहाँ पे घास घूस ऐसे लगा ऐसे ले आते हैं इस पहाड़ों में से, ऐसे नीचे से, ये देखो भाई ऐसे। भाई क्या व्यू है यार, नीचे धूप है पर यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है। तो गाइस ये रोड है नैना देवी का, और यहाँ का मोड़ गेट बहुत है राम भाई बोल रहे तेरे साथ डर लगता है बैठने, ये दिक्कत है। तो भाई सामने है माता का मंदिर ऊपर, बट पता नहीं किसकी को लगी मेरे को भी। हाँ तो मैं कह रहा था कि हम पहुँच गए फाइनली माता के दरबार के नीचे, बस ऊपर चलते हैं भाई। एंड बहुत क्रेजी यार, मतलब ना काफ़ी दिन से मेरी मन की इच्छा थी कि मैं यहाँ नैना देवी माता के दर्शन करने आऊँ, बट फिर दर्शन टाइम नहीं लग रहा था भाई, मैं बहुत बिजी था। बट अभी फिलहाल पहुंच ही गया भाई माता के दरबार के पास। वैष्णो देवी की गाइस बहुत मस्त जगह नहीं, वो माता का बहुत, मतलब क्या बताऊँ उसके बारे में शब्द नहीं मेरे पास, क्योंकि ना वहाँ पे जब तुम खुद जाओगे ना, जब तुम खुद जाओगे और खुद देखोगे भाई, एक तो ट्रैक काफ़ी सुंदर है, दूसरा सब कुछ अच्छा है भाई, सब कुछ बढ़िया है। एंड सही है भाई, जम्मू सिटी भी काफ़ी मस्त है यार, बिल्कुल साफ क्लीन है भाई वो, जैसे चंडीगढ़ का वैसे है। लो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं माता के दरबार के पास, बस पार्किंग लगानी बाकी है बाइक। जान दे भाई बीएम वाले,
भाई क्योंकि पार्किंग देखनी पड़ेगी हमें यहाँ कहीं पे। लो भाई पार्किंग में लगा देते हैं बाइक। लो भाई अपनी बाइक लग चुकी है पार्किंग में एंड हेलमेट भी हम यहीं पे रख देंगे भाई। इसकी वजह से गाइस ये नंबर प्लेट ना गाइस बैंड होगी बैंड। फिलहाल ये रख गया अपनी बाइक पार्किंग में, ऊपर कैमरा अलाउड नहीं है तो आपसे मिलता हूँ गाइस दर्शन करके वापस आते समय। रेडी है भाई हम निकल चुके हैं नैना देवी से, दर्शन हमने कर लिए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था बट उससे पहले चाय हम यहाँ पे रुके थे, हमें चाय पीने के लिए चाय हमने पी ली है। और गोप्रो भी इस टाइम 35% है भाई। हमने दर्शन कर लिए हैं, हम वहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ पे हम रुके थे चाय पीने के लिए, चाय हमने पी ली, अब हम जा रहे हैं वापस घर। एंड गोप्रो में बैटरी नहीं, बाकी मिलता हूँ आपसे घर पर जाके क्योंकि यार ऑलरेडी शूट बहुत हो चुका है। पर बाकी मिलता हूँ आपसे घर पर जाके गाइस।